तो दोस्तों विकास दुबे यूपी का एक ड्रेडेड गैंगस्टर एक एनकाउंटर में मार दिया जाता है यूपी की पुलिस के द्वारा। और इसके बाद जो लिब्रांडू गैंग है वो मीना कुमारी मोड में बैठ जाता है और अपनी छाती पीटने लगता है कि क्यों इसका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि असली रीजन क्या है इसके एनकाउंटर का, जो कि आपको एक झटका देने वाला है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों कल विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा और यूपी पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया। और उसके बाद बीच रास्ते में यूपी पुलिस ने विकास दुबे को ऊपर वाले को हैंडओवर कर दिया। पुलिस का कहना है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे बैठा हुआ था वो गाड़ी अचानक से पलट गई और उसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और उसके बाद ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर मजबूरन मन महसूस कर पुलिस को गोली चढ़ानी पड़ी। राम गोपाल वर्मा के लिए स्क्रिप्ट तैयार है। पर अब सवाल यह आता है कि गाड़ी पलटी कैसे। अब इसके दो ही तरीके हो सकते हैं कि या तो यूपी की सड़कों पर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं या फिर जो गाड़ी है वो सलमान खान चला रहा था। पर चलिए अंतिम सच ये निकल कर आता है कि बहुत बड़ा गैंगस्टर जो है वो मारा जाता है, असली नकली बाद में सोचेंगे। लेकिन ये एनकाउंटर होते ही हीरा मंडी सज गई, बाजार लग गया और मैं ज़्यादा बड़ा लिब्रांडो हूँ की बोली लगने लगी। कांग्रेस के ये नेताजी जो कल तक कह रहे थे कि अगर विकास दुबे का नाम कफील खान होता तो अब तक मार देते, बेसिकली ब्राह्मण है तो नहीं मार रहे, ये कह रहे थे वो, अब कह रहे हैं कि पॉलिटिकल मास्टर्स को बचाने के लिए मार दिया गया है। रोहिणी सिंह कल तक विकास दुबे के ब्राह्मण होने की वजह से कह रही थी कि बच जाएगा और आगे कह रही थी कि जिंदा रहकर जेल में यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बनेगा, क्योंकि यूपी में तो जो जेल से ही हैं वही सबसे बड़े गिरोह चला रहे हैं, ये तो आम बात है यूपी में। अब उसे मार दिया गया तो रोहिणी सिंह ने हल्ला काटा हुआ है। वहीं इस एनकाउंटर से कुछ घंटे पहले ही द वायर वाले स्पाइडरमैन मोड में बैठे हुए थे और नया जाला बुन रहे थे। वो कह रहे थे बेसिकली कि योगी सरकार के अंदर जो सबसे मार्जिनलाइज्ड या फिर सबसे उपेक्षित सोसाइटी होती हैं उन्हीं का एनकाउंटर किया जाता है। फिर इसी आर्टिकल में नीचे जाके उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि भाई जो भी एनकाउंटर हुए हैं योगी राज में उनमें से 50% तो मुस्लिम समाज के हुए हैं, बाकी ओबीसी या फिर दलित समाज के हुए हैं। यानी सीधा सीधा कह रहे थे कि भाई जो दुबे है ना वो तो एक ब्राह्मण है तो उसे मारा नहीं जाएगा, उसका एनकाउंटर नहीं किया जाएगा। अब कर दिया गया है तो उनका ये हाल है। पर अब सवाल ये आता है कि ये सारे जो लोग हैं वो विकास दुबे के एनकाउंटर को गलत क्यों कह रहे हैं। तो बेसिकली इन लोगों का कहना है कि विकास दुबे जो था उसके पास बहुत सारे राज थे, क्योंकि उसके रिलेशंस थे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के साथ, बड़े बड़े पुलिस अफसरों के साथ। अब विकास दुबे को मार दिया गया है तो इन सब लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है विकास दुबे के क्राइम में वो हमेशा के लिए राज बना रह गया है। क्या ये लोग सही कह रहे हैं, क्या विकास दुबे का जो एनकाउंटर था वो गलत था, तो वो जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि विकास दुबे आखिर था कौन और उसके ऊपर क्या क्या केसेस चल रहे थे। तो जी ये वो दौर था यूपी की पॉलिटिक्स के अंदर जब वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती थी, आपकी जाति, आपकी कास्ट, और उसी के हिसाब से वोट पड़ते थे। विकास दुबे 1990 में पहला केस करता है, पहला अटेम्प्टेड मर्डर करता है और उसके बाद 1993 तक उसके ऊपर फिरौती अब्डक्शन जैसे बहुत सारे केसेस आ जाते हैं। पर बंदा इतने कांड करने के बाद भी बच कैसे रहा था। तो भाई साहब ऐसा था कि विकास दुबे का जो गाँव है और उसके आसपास के काफ़ी सारे गाँव जो हैं उनमें जो पॉपुलेशन है वो ब्राह्मण डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, वहां पर ब्राह्मण जो हैं वो काफी संख्या में रहते हैं, यानी कि एक वोट बैंक है, तो पॉलिटिकल पुछपुछ जो होती है उसकी तो कमी थी नहीं। और इसी वजह से विकास दुबे जो हैं वो हरिकृष्ण श्रीवास्तव के पॉलिटिकल हेंचमैन बनते हैं। हरिकृष्ण श्रीवास्तव जो थे वो एमएलए थे बीजेपी की तरफ से 1993 में, और 1996 में ये श्रीवास्तव भाई साहब जो हैं वो बीएसपी ज्वाइन कर लेते हैं, यानी मायावती की पार्टी, और इसके बाद विकास दुबे भी इसी टाइम बीएसपी ज्वाइन कर लेते हैं। बीएसपी ज्वाइन करने के बाद विकास दुबे जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो इलेक्शन होते हैं उनको जीतता है और उसके बाद वो अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को भी इलेक्शन लड़वाता है, रिचा को, और उनके बाद वो भी इलेक्शन जीतती हैं। और जो अपना एरिया होता है उसके अंदर विकास दुबे करीब करीब 1,00,000 वोटर्स पर अपना आधिपत्य रखता है, इतनी पावर उसके पास होती है, और इसीलिए पॉलिटिकल पुछपुछ जो होती है वो उसकी होती रहती है। अब तक हमने बीजेपी और बीएसपी के रिलेशंस विकास दुबे के साथ दिखाए हैं। अब सीधा आ जाते हैं 2001 में बीजेपी लीडर संतोष शुक्ला को शिवाली पुलिस थाने में विकास दुबे मार देता है। शुक्ला स्टेट मिनिस्टर थे, सेंट्रल और यूपी दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार थी उस समय,
25 पुलिस वालों के सामने ये चीज की गई थी, ये कांड किया गया था, किसी ने गवाही नहीं दी। शुक्ला के परिवार वाले कहते हैं कि बीजेपी के कुछ लीडर्स भी उस समय दुबे के साथ मिले हुए थे। अब 3 मई 2002 को सरकार बदल जाती है, बीजेपी की जगह बीएसपी यानी कि मायावती की सरकार आ जाती है और इसी समय दुबे जो होता है वो सरेंडर कर देता है अपने क्राइम के लिए और कुछ नहीं होता, कोई गवाही उसके खिलाफ होती नहीं है तो कुछ ही दिनों में छूट जाता है बीएसपी की सरकार के अंडर। इसके बाद मर्डर्स, अपराध, लैंड ग्रैबिंग, फिरौती, ये जो केसेस हैं ये बढ़ते बढ़ते 60 पार कर जाते हैं और जो विकास दुबे हैं वो बीएसपी से शिफ्ट कर जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि वो अब सत्ता में आ चुकी थी और इसके बाद जो उनकी वाइफ हैं वो समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्य बन जाती हैं और दूसरी तरफ चुनाव भी लड़ती हैं वहां से। यानी यहां से एक बात क्लियर हो जाती है कि एक पर्टिकुलर समय तक सारी पार्टीज ने, बीजेपी ने, बीएसपी ने, समाजवादी पार्टी ने, सब ने मिलकर विकास दुबे को बचाया है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति जो है 1 लाख से ज्यादा वोटों पर अपना होल्ड रखता था और यूपी की पॉलिटिक्स को जानने वाला इसका मतलब जानता है। 2022 में जो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं उसमें विकास दुबे जो है वो एक रानिया असेंबली सीट है यूपी के अंदर, उस पे से इलेक्शन भी लड़ने वाला था, ऐसी बातें बताई जा रही हैं, वो भी बीएसपी के टिकट से। और आजकल बीजेपी थोड़ा होल्ड रखती है यूपी के अंदर तो इसने बीजेपी में घुसने की भी कोशिश की थी लेकिन बीजेपी के किसी सेंटर के पावरफुल लीडर ने इसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन क्यों आज तक जिसे बीजेपी वाले पाल रहे थे उसकी ही एंट्री को ब्लॉक कर दिया बीजेपी के अंदर? तो उसका आंसर है 2017 में जो यूपी में इलेक्शन हुए हैं उसका इलेक्शन रिजल्ट। यूपी जो है वो कास्ट पॉलिटिक्स से थोड़ा तो आगे बढ़ा है और दूसरी तरफ योगी सरकार का ये एटीट्यूड लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल्स के प्रति, सुनिए। और हम लोगों ने कह दिया है सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी, मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। अब 2017 में योगी सरकार आती है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए और क्रिमिनल्स के लिए जो है एक्शन लिए जाने लगते हैं और इसी एक्शन के दौरान 2017 में ही विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2019 तक इसके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो जाती है लेकिन ये भाई साहब जो हैं वो हाई कोर्ट जाकर अपने बचाव के लिए एक ऑर्डर ले आते हैं। इन शॉर्ट अगर सस्ते में बताऊँ तो एसी की हवा खाने के ऑर्डर, अपने घर में बैठ कर ले लो एक्शन। यानी कि अब तक हमने देखा कि विकास दुबे को कई बार गिरफ्तार किया गया, कई बार कानून के शिकंजे में लाने की कोशिश की गई लेकिन वो हर बार बच निकलता था। अब जरा ये सोचकर चलिए कि विकास दुबे का यदि एनकाउंटर नहीं होता तो क्या होता? तो भाई साहब ये होता कि कई सालों तक ना ये केस चलता रहता और 2022 में दोबारा से इलेक्शंस होते, हो सकता है सरकार बदल जाती और उस केस में तो विकास दुबे की लॉटरी लग जाती, हो सकता है फूलन देवी की तरह वो छूट जाता और एमपी भी बन जाता शायद भविष्य में, और हो सकता है यही सब उसने सरेंडर भी किया हो। लेकिन उन राजों का क्या जो विकास दुबे के साथ उसके साथ ही चले गए? कौन से राज? तो भाई विकास दुबे के पॉलिटिकल लिंक्स के राज, जिनके बारे में ये लिब्रांडोस चिल्ला रहे हैं। तो अभी मैंने आपको इतनी लंबी कहानी सुनाई है उसके अंदर सारे राज मैंने आपको बताए हैं कि किसके साथ पॉलिटिकल लिंक्स थे, कौन उसे बचाता था, किस प्रकार से बचाया जाता था, सारी खुली किताब है, कोई राज है ही नहीं। दूसरी तरफ बिहार के सिवान का सोहराबुद्दीन जो है वो आज भी जेल में बंद है और किस प्रकार से एमएलए एमपी बन चुका है लालू की पार्टी से वो हम सभी जानते है। तो उसने कितना लालू का नाम लिया है जेल में रहकर, आप बताइए मुझे। विकास दुबे के पास सिस्टम के राज थे लेकिन उसके जो पॉलिटिकल लिंक्स थे, पॉलिटिकल एफिलिएशंस थे, उसको किसका संरक्षण प्राप्त था, किन किन पार्टियों ने आज तक उसे बचाया था और कौन कौन उसके साथ हो सकता है, वो सारी चीजें ना खुली किताब थी। लेकिन उसके पास कुछ भी ऐसा तो होगा नहीं कि मायावती के साथ उसकी कोई फोन रिकॉर्डिंग हो जिसको वो एक्सपोज कर दे तो तहलका मच जाए। पर अब सवाल ये आता है कि क्या इस प्रकार के जो एनकाउंटर्स हैं वो सही भी हैं या नहीं? तो जी नॉर्मल परिस्थिति में ना इस प्रकार के एनकाउंटर्स बिल्कुल भी सही नहीं है लेकिन इस प्रकार की जो स्थिति है, इस प्रकार के एनकाउंटर्स पहले भी किए गए हैं जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। एग्जांपल के तौर पर मुंबई का अंडरवर्ल्ड, एक समय पर हफ्ता, माफियागिरी, हत्याएं कॉमन थी, डिफरेंट गैंग्स के द्वारा पुलिस को आदेश दिया गया कि भाई इनको खत्म करो, पुलिस ने खत्म किया। चोर उस समय भी बहुत मचाया गया कि ये सब क्या हो रहा है, बहुत सारी इंक्वायरीज भी बैठी लेकिन आज की डेट में मुंबई शांत है सिर्फ एक एक्शन की वजह से। सिमिलरली यूपी का जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बुरी तरीके से बदनाम था, बाहुबली जो थे वो सरकार चलाने के लिए फेमस थे। 2017 में योगी सरकार आने के बाद करीब 3000 से ज़्यादा एनकाउंटर किए गए हैं जिनमें 60 से ज़्यादा मारे गए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पुलिस की भी बहुत बड़े स्केल पर भर्ती हुई है लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए और इसका फर्क भी पड़ा है वो देखने को मिलता है। लेकिन योगी सरकार का ये दावा कि 15 सालों में सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर अभी है यूपी के अंदर, इसका हमें डेटा प्राप्त नहीं हुआ है तो ये हम कह नहीं सकते।
अब सवाल ये आ जाता है कि क्या योगी सरकार का ये जो क्राइम के खिलाफ वॉर है ये 100% सक्सेसफुल है? तो जी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि योगी की खुद की सरकार में जो 37% MLAs हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। पर बात वहीं पर आ जाती है कि ये चार्जेस जो हैं वो SP BSP कांग्रेस सभी के ऊपर हैं। पॉलिटिक्स के अंदर 100% गोल ढूंढोगे तो नोटा ही दबाओगे। अब UP के अंदर जो है वो कानून और व्यवस्था जो है वो सुधरी है 2017 के बाद, और इसमें एनकाउंटर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। बाकी कांग्रेस जो है इसे ब्राह्मण विरोधी एनकाउंटर ऑलरेडी बता चुके हैं, और इसका रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो उनके नेता हैं वो ब्राह्मण समाज के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं कि योगी सरकार जो है ना वो आपके खिलाफ कितने अत्याचार कर रही है। विकास दुबे का एनकाउंटर सही था या गलत, तो इस पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, ये व्यक्ति जो है वो अपने पॉलिटिकल लिंक्स के थ्रू आज तक बहुत बार बचता रहा है और बहुत कुछ करता रहा है, और भविष्य में भी शायद बच जाता और बहुत कुछ कर जाता। बाकी सही गलत का निर्णय तो भाई हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो भोले भाले लोग हैं, लेकिन आप लोग तो कर सकते हैं ना, क्योंकि आप भारत की जनता हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए पेट्रियन के थ्रू या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू, दोनों के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट के अंदर मैं दे रहा हूँ। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।